नमस्कार साथियों, मैं नवरत्न आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भील राजवंश के बारे में है, यानी वो कौन से राजे रहे हैं जिसकी स्थापना भील राजाओं ने की थी। भले इतिहास में वो हमें जानकारियां पढ़ने को नहीं मिली हो, लेकिन जो सत्य इतिहास है वो छुपाया नहीं जा सकता। ये जानकारी मुझे भेजी है रमेश राणा ने उर्फ राखी मारवाड़ ने। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सत्य ऐतिहासिक जानकारी है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस nh.news@gmail.com पे भेज सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मेरा हौसला है। साथियों, जो सत्य है उसको हमें सामने लाना है, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमें ऐसा मिल गया है जहां मतलब अपना इतिहास है वो हम लोगों के सामने रख सकते हैं। एक गर्व महसूस करने वाला इतिहास है, और लोगों ने इस इतिहास को छिपाया है। उस छिपे हुए इतिहास को हम लोगों के सामने लाएंगे, तो आपका साथ ही मेरा हौसला है। तो दोस्तों, आप मेरे जीमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नहीं आए तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बांसवाड़ा जिले की बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा राज्य की स्थापना बंसिया भील ने की थी। बंसिया भील के नाम पर इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा था। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह के दूसरे पुत्र जगमल ने धोखे से इस राज्य को जीता और अपना अधिकार कर लिया। परंतु हमेशा से ही इस तथ्य को इतिहास में गलत पेश किया गया है। कहीं कहीं इतिहास में जगमल को ही बांसवाड़ा का संस्थापक बताया गया, किंतु सत्य छुपाया नहीं छुपता। और दूसरा है, कुशलगढ़ पर कटारा गोत्र के कुशला भील का अधिकार था। मेर से मेरवाड़ा क्षेत्र में बिनाए ठिकाना भी पहले मादलिया भीलों के अधिकार में था, जिसका बनाया किला आज भी मौजूद है। गढ़ मादलिया के नाम से प्रसिद्ध है। इधर गुजरात में सोडा गोत्र के सांवलिया भील का राज्य था। सांवलिया भील को हराकर राठौड़ों ने वहां अपना राज्य स्थापित किया। मेवाड़ में स्थित जवास जगरगढ़ पर भीलों का शासन था। जगरगढ़ को जोगराज भील ने बसाया। मेवाड़ के ही रामपुरा व भानपुरा पर रामा और भाना भीलों का शासन था। वर्तमान के कोटा शहर पर भीलों का स्थापितों तक शासन रहा है। कोटा के पास आसपुर की दवस्त नगरी तथा अकेलगढ़ का पुराना किला भीलों के ही थे। वहां के भील सरदारों की उपाधि कोटिया भील थी। सन 1274 में बूंदी के तत्कालीन शासक समर सिंह के पुत्र जेत सिंह ने कोटिया भील को युद्ध में मार दिया और कोटा में हांडावस की स्थापना की। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के आसपास के इलाके पर संवत 1675 तक भील राजा चक्रसेन का शासन रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।